हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आज की वीडियो में मैंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर पॉट। ये देखिए, बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से ये मैंने पिस्ता सेल मैंने इसमें यूज़ किया है और कोई भी पैसे नहीं खर्च हुए हैं। देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर पॉट बनकर ये रेडी हो गया है। अगर आप इसमें चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कलर नहीं चाहिए था, मैं बिल्कुल नेचुरल इसी तरह चाहती थी, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सा इसी तरह मैंने रखा हुआ है। आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, दूसरा पीस भी मैंने रेडी किया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मिट्टी का पॉट है, उस पर मैंने बनाया है और बहुत ही जल्दी बनकर ये रेडी हो जाता है। इसे मैंने किस तरह बनाया है वही वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और शोवर लग रहा है ये, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। मैं आपको बता नहीं सकती, अगर से मैं कलर कर दूंगी ना तो इतना ये अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा ये नेचुरल लग रहा है, और नेचुरल चीज़ की तो बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल है, पानी की ये बॉटल है, तो इसकी कैप टूट गई थी तो ये वेस्ट पड़ी हुई थी। तो कई महीनों से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, कुछ ना कुछ इस पर DIY करेंगे इसीलिए मैंने रखा हुआ था। तो और ये पिस्ता के सेल मैंने इकट्ठे कर लिए थे और इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है, मैंने साफ़ कर लिया है। और ये लिया है मैंने फेविबॉन्ड, इसको चिपकाने के लिए मैं फेविबॉन्ड का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो फेविकोल MR का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको लगाएंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट होने में, सूखने में, तो इसीलिए मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी, जब तक आप दूसरा तीसरा पीस लगाएंगे ना उतने तक वो सूखता चला जाएगा। तो ये देखिए सेल के ऊपर मैं लगा रही हूँ इस तरह, और लगाकर ये देखिए इस तरह मैं लगाती चली जा रही हूँ और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। आप चाहें तो डायरेक्ट बॉटल पर भी राउंड करके लगा सकते हैं, तो राउंड लगाएंगे ना तो वो भी आसानी से अच्छे से चिपक जाएगा। अगर चाहें तो सेल के ऊपर लगाएं, चाहे तो आप बॉटल पे लगाएं। तो ये देखिए मैंने इसे लगा लिया है, और लगाने के बाद ये देखिए अब बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें सूखने में, बहुत ही समय नहीं लगता ज़्यादा। अब मैं बॉटल पे ही डायरेक्ट लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ से जब मैं उसके ऊपर सेल के ऊपर लगा रही हूँ ना तो बार बार वो हाथ से छूट जा रहा है, तो दिक्कत हो रही थोड़ी सी। तो इसीलिए मैं उसी के ऊपर मैं इस तरह लगा रही हूँ ना, तो इसमें थोड़ा आसानी भी है और आराम से ही लग भी जाता है। बस ये ग्लू थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इसमें। ये देखिए इसी तरह मैं लगाती चली जाऊँगी, इसी तरह मैं पूरी बॉटल में नीचे तक कवर कर लूँगी। तो चलिए पहले इसको पूरा लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ड्राई होने के लिए, कि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैंने ये ली है रस्सी, ये देखिए डोरी है, ये 10 रुपये की मिल जाती है, छोटा सा बंडल इसका। और ये मैं ले रही हूँ फेविकोल MR। तो ऊपर साइड में मैंने इसको पिस्ता सेल नहीं लगाए हुए, तो ये ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर मैं पूरे में फेविकोल लगा ले रही हूँ। पहले पूरे में लगा लेंगे, लगाने के बाद फिर डोरी को राउंड राउंड करके पूरे में चिपका लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह घुमाते हुए चले जाएंगे और थोड़ी देर में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो इसको भी सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फेविकोल तुरंत चिपकता नहीं, या तो फेविबॉन्ड से चिपकाते इसको। तो फेविबॉन्ड अभी थोड़ा सा है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरे पास, तो इसीलिए फेविकोल से चिपका रहे हैं। तो इसको थोड़ा सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये भी सूख जाएगा। ये देखिए इसे मैंने लगा लिया है, लगाने के बाद जो नीचे साइड में है ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, स्पेस है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी 2-3 राउंड यहाँ पर चिपका देंगे ना, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और इसमें जो दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा, तो वो भी छिप जाएगा और इसका लुक भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए इधर भी लगा लेते हैं, और ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा DIY। तो ये देखिए ये मिट्टी का पॉट है, इस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये 2 पीस मैंने लिए थे, 10-12 साल हो गए इसको लिए हुए, इस पर मैंने डिज़ाइन बनाई हुई थी। ये देखिए दूसरा पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह दोनों पीस था। तो इसमें ऑयल पेंट का मैंने यूज़ किया था और इसमें एक्रेलिक पेंट से इसमें डिज़ाइन बनाई हुई, ये देखिए।
ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन कई सालों से इसको देखते देखते बोर हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं इसमें। पहले सोचा था कि दोनों में पेंट करेंगे, तो इसमें दूसरे वाले पीस में, इसमें देखिए वाइट पेंट मैंने ऑयल पेंट ही किसमें किया है और दूसरे वाले में मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा पता नहीं मुझे ना अच्छा लगे, मैं कुछ ना बनाऊँ तो ये बेकार हो जाएगा, तो एक पीस को मैंने छोड़ दिया था। तो ये बहुत दिनों से रखा हुआ था पेंट किया हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि और पिस्ता सेल भी बहुत सारे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर कुछ इसमें DIY करते हैं, देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए मैं इसमें इसको मैं बना रही हूँ इसको। तो चलिए अब इसको भी बना के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा पॉट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ऊपर साइड में इतना मैंने छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद अब ये पूरे में यहाँ से जहाँ से मैं लगा रही हूँ, तो इसमें जो है मैं फेविकोल MR का ही यूज़ कर रही हूँ, फेविबॉन्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आसानी से इसमें चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि थोड़ी देर इसको छोड़ना पड़ेगा एडजस्ट होने के लिए, तुरंत नहीं चिपकेगा ये। तो ये देखिए इस तरह पूरे में चिपका लूँगी, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इसको लगाने के लिए पूरा नीचे तक इसको इस तरह लगाते हुए चली जाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने पूरे में इसको लगा लिया है, और लगाने के बाद पूरी रात के लिए मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि रात हो गई थी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर मैंने आगे कोई काम नहीं किया है। अब ये सुबह हो गई है तो अच्छे से ये ड्राई हो चुका है, और अब मैं ले रही हूँ फेविकोल, और वही डोरी मैं ले रही हूँ जो मैंने दूसरे वाले पॉट में लगाया था। तो अब इसमें भी उसी तरह मैं पूरे में फेविकोल लगा कर इसको इस तरह राउंड करके इसे चिपका लूँगी, पूरे में ऐसे घुमाते हुए चली जाऊँगी और इसको पूरे में ऊपर तक इसको चिपका लूँगी। तो चलिए पहले चिपका लेते हैं। ये देखिए मैंने पूरे में इसको चिपका लिया है, और आधे घंटे के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, तो अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। अब मैंने लिए हैं कुछ मिरर्स, ये देखिए राउंड शेप वाले मिरर हैं, ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, मीडियम वाले हैं ये मिरर। तो अब बीच बीच में थोड़ा स्पेस देकर मैं फेविकोल लगा रही हूँ और वहाँ पर इस मिरर को चिपका दूँगी। ये देखिए इस तरह, अगर आप चाहें तो बिना स्पेस दिए हुए पूरे में आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्पेस डिस्टेंस इसमें रख रही हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। एक साथ लगाऊँगी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये इस तरह से लग रहा है। अब इस तरह इसकी डोरी भी नीचे से दिखाई देगी ना, तो वो उसका भी कलर आएगा उसमें दिखाई देगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो खाली ये मिरर ही दिखाई देता, तो इसलिए वो भी दिखाई दे और मिरर भी दिखाई दे, इसलिए मैंने इस तरह इसको लगाया हुआ। ये देखिए अब मैं पूरे में इसको इस तरह चिपका ले रही हूँ, और ये देखिए ये भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब इसे भी ड्राई होने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ, और ड्राई होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए फ्रेंड ये भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैंने ली है ये फ्लावर स्टिक, आप इसमें लगा दीजिए, और कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर पर आप इसको लगाएंगे तो वाकई में बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और फ्रेंड अगर इसमें कलर करते तो वाकई में बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, इतना अच्छा ना लगता जितना अच्छा ये लग रहा है खुद। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।